तो देखिए, आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। क्या होता है ये? देखो क्वेश्चन में क्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं इसके लिए वर्कशीट का अपन। आर्टिकल आपको दे रखे हैं ए बी सी डी ई। क्यू जीरो यानी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर आपको दे रखा है 107522, और पी जीरो प्राइस ऑफ बेस ईयर आपको दे रखा है 2021, 2010 एंड 6, और 2006 यानी ये करंट ईयर माना जाएगा। ये तो माना जाएगा बेस ईयर और ये माना जाएगा करंट ईयर, इसको हम बोलेंगे P1, ये आपको दे रखेंगे। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। यानी ये सेम वही फॉर्मूला हो गया जो आपने लेस पेयर का देखा था, उसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो सिग्मा P1Q0, ये P1 है, ये Q0 है, मल्टीप्लाई करें 30 × 10 300, 28 × 7 196, 25 × 5 125 एंड सो ऑन। और देन हमें चाहिए P0Q0, ये रहा P0, ये रहा Q0, मल्टीप्लाई करें 20 × 10 200, 21 × 7 147, 20 × 500 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारे मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहां हम टोटल निकाल लेंगे सिग्मा P0Q0 एंड सिग्मा P1Q0 का। अब हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे, सिग्मा P1Q0 है 661, सिग्मा P0Q0 है 479 इंटू 100, ये आपका आ गया 138। ये वैसे इतना आ रहा है पर अपन ने अप्रोक्सली लिख दिया 138। तो ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ध्यान देना, ये अपन ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, और इसका फॉर्मूला सेम वही है जो आप पहले लेस पेयर का करके आए हैं। ये आपका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डेटा सारा आपको दे रखा होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब इसी क्वेश्चन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, फैमिली बजट मेथड से करेंगे। ये हमने एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से किया था, अब हम इसी क्वेश्चन को फैमिली बजट मेथड से करेंगे। फैमिली बजट मेथड में क्या होता है कि पहले आपको प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है। उसका फॉर्मूला होता है P1 upon P0 into 100। इसका फॉर्मूला जो अपन को लगाना है फैमिली बजट मेथड का, वो होता है P01 = σRW upon σW। तो सबसे पहले R कैलकुलेट करना है P1 upon P0 into 100। तो P1 और P0 सारे आपको अवेलेबल हैं, ये देखो, ये रहे, तो 30 upon 20 into 100, 28 upon 21 into 100, 25 upon 20 into 100 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप सबका प्राइस रिलेटिव ये कैलकुलेट कर लोगे। देखो 30 upon 20 into 100, 28 upon 21 into 100। यार W कहते हैं, W का मतलब होता है वेट। वेट क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, और नहीं गिवन है तो P0Q0 को ले लो, वही वेट माना जाएगा। वो वेट आपने P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके पहले से निकाल रखा है, नहीं तो निकाल लेना। ये रहा P0Q0, ये इसी को वेट कहते हैं। ये 200, 147, 100 एंड सो ऑन, ये अपन ने एज इट इज यहां लिख लिया। अब ये R है, ये W है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो RW निकल जाएगा 150 × 200, दैट इज 30,000, 133 × 147, दैट इज 19551, 125 × 100, दैट इज 12,500, 120 × 20, दैट इज 2,400, 133 × 12, दैट इज 1596। ये RW का टोटल हो गया, दैट इज सिग्मा RW, और ये सिग्मा W जो कि सिग्मा P0Q0, ये वास्तव में ये सिग्मा W हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सिग्मा RW एंड सिग्मा W। तो सिग्मा RW यहां ले लो और सिग्मा W, ये आपका इंडेक्स आ गया 138 अप्रोक्सली आपका ये आ रहा है, 138 है ना, पहले भी अप्रोक्सली आपका 138 ही आया था। तो चाहे किसी भी फॉर्मूले से करो, वैसे माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है मैं ये कहूंगा आपको, लेकिन ऑलमोस्ट वो 1% के आसपास अप डाउन में आपका आ जाएगा। तो अपन ने एक ही क्वेश्चन को दो तरीकों से किया। पहले अपन ने क्या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला, फिर हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फैमिली बजट मेथड से निकाला। वर्कशीट का एक क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, जिसमें आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं अलग अलग, फूड है, रेंट है, फ्यूल है, क्लोथिंग है, मिसलेनियस है। Q0 वेट आपको दे रखा है W,
45, 28, 10, P0 दे रखा है 300, 200 एंड सो ऑन, P1 दे रखा है 350, 225 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन इस लाइन के इधर इधर वाला पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये सारा पार्ट आपको गिवन है, इसमें आपने कैलकुलेट कुछ नहीं किया। अब आपको वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, दो मेथड से करना है, पहले एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे, फिर फैमिली बजट मेथड से करेंगे। तो देखो एक एक करके लेते हैं, पहले लेते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर्मूला होता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इनटू 100, वही लेस पेयर का फॉर्मूला है। तो ये P1 है, ये W को Q0 लिया जाएगा, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई कर दो, P1Q0 आ जाएगा 350 इंटू 45, ये आपका आ जाएगा 15750। और P0Q0 कैलकुलेट करना तो ये रहा P0, ये रहा Q0, 300 इंटू 45 दैट इज 13500। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इनका सिग्मा निकाल लोगे, ये आपके सिग्मा निकल गया, सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0। फॉर्मूला लगाएंगे, ये है 27980 अपॉन 24050 इंटू 100, ये आपका इंडेक्स आ गया। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, किससे है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। तो इस तरीके से आपको सब डेटा दे रखा होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अब यही क्वेश्चन अपन फैमिली बजट मेथड से भी करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले वही आर निकालना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 और P0 दोनों दे रखे हैं आपको, ये रहे P1 अपॉन P0 इंटू 100, जैसे 350 अपॉन 300 इंटू 100। चेक करते हैं, 350 अपॉन 300 इंटू 100, इस तरह से आप सारे आर निकल जाएंगे। W क्वेश्चन में आपको गिवन है, W क्वेश्चन में गिवन है 4528, देखो ये रहा 4528। आर आपने निकाल लिया, W गिवन है, R और W को मल्टीप्लाई कर दो तो RW निकल जाएगा 116.67 इंटू 45 दैट इज 5250। इसको आप रॉन्ग फिगर कर सकते हो अगर आपके टीचर अलाउड करे तो, 112.5 इंटू 20 दैट इज दिस, 110 इंटू 8 दैट इज दिस। इस तरह से अपन सिग्मा RW निकाल लेंगे, ये आपका सिग्मा W आ गया, सिग्मा RW अपॉन W सिग्मा, ये फॉर्मूला है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ये सिग्मा RW और ये सिग्मा W, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा 115.87, पहले भी ऑलमोस्ट इतना ही आया होगा 115.87 के, ये लो मतलब 1% के अराउंड आ जाती हैं चीजें, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये अपन ने फिर से अपन ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो मेथड से किया, पहले किया एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से और फिर हमने किया फैमिली बजट मेथड से। तो अब अपन देख रहे हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, यानी ये वेट निकालना पड़ेगा अपॉन सिग्मा W, यानी W को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन सिग्मा W। कैसे इसका यूज होगा वो अपन देखते हैं, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्वांटिटी पे बेस करता है, इसलिए ये इस तरीके का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में दे रखा है इंडस्ट्री है, तीन आपकी मैन्युफैक्चरिंग है और अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है, Q0 आपको दे रखा है, Q1 आपको दे रखा है। इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 ये, और देन इसका सिग्मा कर सकते हो। तो Q1 कितना है 180 अपॉन 120 इंटू 100, ये देखो 180 अपॉन 120 इंटू 100, ये ऐसे सब निकाले गए, यहाँ भी 290 अपॉन 200 इंटू 100 और 220 अपॉन 150 इंटू 100 ये निकल जाएगा, और इसका ये अपना हो गया Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। W यानी वेट क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें यही चाहिए Q1 और Q0 इंटू 100 इंटू W का सिग्मा चाहिए, तो पहले इंटू W करो, तो 150 इंटू 25 3750, ये 145 इंटू 45 6525, 147 इंटू 30 इक्वल टू 4410, ये इसका टोटल कहलाएगा सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 इंटू W का सिग्मा, और ये सिग्मा W है आपका। तो ये तो आ गया इसका सिग्मा, ये आ गया सिग्मा W, ये आपने WIP का इंडेक्स लगाया फॉर्मूला, और देन ये आपका आंसर आया। तो ये थोड़ा अलग है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको W से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका सिग्मा निकालना पड़ेगा, और देन ये सब करने के बाद उसको डिवाइड बाय सिग्मा W करना पड़ेगा। ये आपका वेटेड इंडेक्स का फॉर्मूला है,
इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल इंडेक्स प्राइस देखो ये रहा WIP, ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।